अर्जित बन गए हैं खतरों के खिलाड़ी के फर्स्ट रनर अप और कितनी खुशी है मन में आ, बहुत खुशी यार आ, सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे जब जर्नी की शुरुआत हुई थी एंड आर फाइनल कर लिया फिनलॉलिस रन कर लिया एंड uh, बहुत मज़ा आया तो जैसे कि इसका टैगलाइन यही था कि हर लेवल डर डर नेक्स्ट लेवल तो ब, अब क्या लेवल रह गया डर का डर का लेवल पहले से तो बहुत कम हो गया है मेरे अंदर का Uh, पर ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को मेरे घर में छिपकली देखे मैं उठा के उसके साथ खेलने वाला हूँ ऐसा भी नहीं है बट इन जस्ट इन लाइफ यू आर मोर यू आर मोर ब्रेव एंड यू मोर कॉन्फिडेंट एंड इट्स 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 बीन अ ग्रेट जर्नी आई मीन आई कॉन्ट एक्सप्रेस कि कितना मज़ा आया मुझे और मिलने कितना कितना लाइफ चेंजिंग रहेगी बहुत 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 मज़ा आया तो शो से पहले और शो के बाद आप कितने चेंजेस खुद में लग रहे हैं फिजिकली मेंटली फिज़िकली तो सेम ही है सब बस थोड़ी चोटें हैं कहीं कहीं दर्दें हैं मेंटली काफ़ी चेंज है मेंटली आपको काफ़ी स्ट्रांग बनाता है ये शो एंड मेंटली uh, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी करता है मेंटली आपको थोड़ा चैलेंजेस भी देता है मैंटल uh, गेम बहुत ज़्यादा है बिकॉज uh, uh, आप जो भी स्टंट्स कर रहे हैं आपको कॉन्सेंट्रेट बहुत करना पड़ता है कि आपको अपने आप को समझाना है कि आप हाइट पे हो फिर भी आप कर लोगे ज़्यादा नहीं है इवन दो आप बिल्डिंग के बीच में खड़े हो बट <laughs> आपको अपने आप को ट्रैक करना होता सो दैट इज द चैलेंज तो क्या वो मंत्रा था पीछे जिसके कि आप मन में ये सोचते थे कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा तो क्या कुछ मन में सोचते थे उस टाइम कुछ नहीं यार भगवान का नाम बहुत लेता था मैं अगर आप लोगों ने स्टंट देखा हो जय बजरंग बली जय माता दी जय शिव शंभू ये सब बहुत मदद किया उन्होंने एंड वही एंड एक uh, रोज जब सेट पे जाते थे ना जब रोज स्टंट होता था एक एक uh, एक, एक रच भी रहता था कि जो भी हो जाए फेयर फंदा नहीं मिलना आज पहले स्टंट में सेफ हो जाना है वो भी किसी तरह जीतना ही है द द होल एनर्जी इज डिफरेंट ऑन दैट शो यू नो व्हेन यू आर व्हेन यू आर देयर ऑन सेट जब सर आपको स्टंट समझा भी रहे होते हैं पूरी पूरी वाइब भी अलग होती है सबसे डिफिकल्ट स्टंट टास्क कौन सा था मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टंट हाइट के स्टंट थे जैसा रोहित सर ने बार बार बोला उन्होंने रोहित सर मेरे साथ मजाक भी ये करते हैं कि गुरु दक्षिणा में जो जो भी जीतोगे ना सब मुझे दे, दे देना क्योंकि क्योंकि उन्होंने काफ़ी डर निकाले हैं सबके मेरा हाइट का शिव का पानी का अर्चना का हाइट का सबके कुछ ना कुछ वो किए हैं सो मेरे लिए हाइट का था एंड पूरा तो नहीं बोलूँगा बट काफ़ी हद तक निकल गया कितनी दोस्ती बनी है मतलब कितने दोस्त ले के साथ बाहर आए हो आप काफ़ी सभी काफ़ी दोस्त हैं डीनो है शिव है अंजली अंजुम शीजान संतोष काफ़ी अर्चना अभी मैं भूलता रहूँगा नाम बाद में मेरे को डांटेंगे सब नायरा बाहर निकल के क्या रिस्पॉन्स था मतलब सबसे जब मिले तो कैसा रहा पूरा जर्नी को कैसे देखी लोगों ने आपकी बढ़िया रहा यार रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया रहा अभी तीन चार नहीं तीन चार नहीं काफ़ी खतरनाक स्टंट रह गए हैं अभी आने वो भी सब लोग देखेंगे सो और मज़ा आएगा कुछ कुछ जो मेरे फेवरेट स्टंट्स हैं वो भी आने वाले हैं सो द जर्नी इज़ बीन अमेजिंग आई बीन आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द जर्नी मैंने सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँचूँगा बट पहुँच गया तो हाँ मज़ा आया तो आगे क्या लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि अनादर रियलिटी शो बिग बॉस है लाइक क्या क्या करना अभी फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया है क्या आई हैव बीन टेस्टिंग फॉर थिंग्स कुछ कुछ चीज़ें लेट्स सी व्हाट वर्क्स आउट इस साल तो नहीं कर रहा हूँ बिग बॉस टू क्लियर थिंग्स आउट बट नेवर से नेवर अलग पता नहीं <laughs> पर अगर दोनों में से किस में ज़्यादा uh, मन है एट दिस पॉइंट झलक कुछ झलक अरिजीत अभी दिखाना चाहेगा मेरी पूरी झलक देखो ना और क्या देख झलक दिखाना चाहेंगे यही खड़े हैं आपके सामने साक्षात थैंक यू हम तो अपने शो सास बहु और पेटिया में लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहू और बेटिया